सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? तो वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ अपने MI 11X और Poco F3 के लिए काफ़ी ज़बरदस्त वाला गेमिंग रोम और कर्नल का कॉम्बो, और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 3 दिनों से। तो भाई, मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मुझे आराम से 58, 59, 60 FPS कॉन्स्टेंट मिला, मुझे गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, इंस्टॉलेशन भी बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। फटाफट चलते हैं अबाउट फोन में। आप लोग देख सकते हो, ये है डर्फ फेस्ट का एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड, और आप देख सकते हो बिल्ड डेट इस रोम का 16/11/2021। बात करें कर्नल की, आप लोग देख सकते हो हाइपर एक्स का कर्नल है, इसका बिल्ड डेट है 25/11/2021। तो ये आप लोग याद रखना, आपको यही वाला सेम वर्जन इंस्टॉल करना है रोम और कर्नल का। बात करें कुछ और डिटेल की, तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे 5 November 2021 का सिक्योरिटी पैच है, और आपको सिलिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग मिल जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा बोर ना करते हुए वही चीज़ें बताऊंगा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है या जो चीज़ आपको इसमें बग मिलता है, और इंस्टॉलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़रूर से देखना। बात करें मेरे यूसेज की, तो मेरे 3 दिन के यूसेज में मुझे कहीं कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला। इसमें आपको अच्छी बैटरी बैकअप मिल जाती है, आपको इसमें फास्ट चार्जिंग में मिल जाता है, और इसमें आपको डर्फ फेस्ट में आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं एंड्रॉयड 12 होने के बाद भी। तो भाई, कहीं से कोई दिक्कत नहीं इस रोम में, आप इंजॉय कर सकते हो ये रोम, और ये रोम काफ़ी स्मूथ है। मतलब मैंने जितने भी एंड्रॉयड 12 के रोम यूज़ करें उसमें ये सबसे ज़्यादा स्मूथ लगा, तो भाई काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे रोम। बात करें Geekbench स्कोर की, तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसमें Geekbench 2 बार रन किया, और स्कोर्स के बारे में जितना भी कहें उतना भी कम है। तो भाई देख सकते हो कितना इंप्रेसिव स्कोर आया इस रोम पे। बात करें CPU थ्रोटलिंग स्कोर की, तो आप लोग देख सकते हो ये स्कोर 353,000 है, जो कि मुझे नहीं लगता MI 11X के किसी भी रोम और कर्नल पे गया होगा। तो आप लोग देख सकते हो, और एवरेज जीपी स्कोर देख सकते हो 346 है, और ये मैंने 100 थ्रेड्स पे किया एज यूजुअल। तो भाई देख सकते हो कितना ओपी परफॉर्म कर रहा है ये रोम। बात करें DRM इन्फो की, जिसमें आपको वाइडवाइन L1 मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और इसमें आपको रोम में बाय डिफ़ॉल्ट सेफ्टीनेट पास मिल जाता है, पर अगर आप रूट भी करते हो ना तो आपका सेफ्टीनेट आप आराम से पास कर सकते हो। बात करें QS पैनल की, तो इसमें आपको सारे टाइल्स मिल जाते हैं, फुली वर्किंग है, और इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट मोटो डॉल भी नहीं मिलता, तो आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। तो गेम खेलने से पहले मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ, उसको आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले तो चलते हैं सेटिंग में और चलते हैं बैटरी में। तो यहाँ पे आपको थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन नहीं मिलता, वही हम इनेबल करने वाले हैं दूसरे ऐप की मदद से, जो ऐप है जिसका नाम है FKM। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है FKM। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे, आप मेरे ग्रुप में भी मिल जाएगा, आप इसका यूज़ कर सकते हो। प्ले स्टोर पर एक पेड ऐप है, तो FKM को आपको डाउनलोड कर लेना है, आपको ओपन करना है। नीचे राइट साइड पे आपको 3 बार्स दिख जाएंगे, उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है, और आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा पर ऐप प्रोफाइल, आपको उस पर जाना है, और आपके पास कुछ ऐसा मीनू खुल जाएगा। तो स्पेशल पैरामीटर्स में जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं उनको आपको सबको अनचेंज कर देना है, जिससे अगर आप वो ऐप ओपन करो ना जिस ऐप के लिए प्रोफाइल बना रहे हो तो उसमें कुछ भी चेंज ना हो, तो इसको आपको सबको अनचेंज कर देना है। नीचे बात करें कर्नल पैरामीटर्स की, तो इसमें से आपको कुछ भी नहीं छूना है, लिटरली आपको कुछ भी वैल्यू चेंज नहीं करना है। बस नीचे आपको जो थर्मल प्रोफाइल दिख रहा है ना उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है, उसमें आपको PUBG सेलेक्ट कर लेना है, फिर नीचे आपको सेव पे क्लिक करना है और कोई एक नाम दे देना है, और आपको सेव प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका प्रोफाइल सेव हो जाएगा। और फिर आपको अप्लाई पे जाना है, और आपको यहाँ पे BGMI या फिर आप जो भी गेम खेलते हो ना उसको आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपने जो भी प्रोफाइल बनाया जिस नाम से, उस प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है, बस आपका सेटिंग अप्लाई हो गया, आपको बस इतना ही करना था। इसके बाद आप अपना गेम आराम से खेल सकते हो, आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। अभी बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन की, तो जो भी फाइल चाहिए उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। पहला जो फाइल चाहिए वो चाहिए मैजिस कैनरी FKM को रन करने के लिए, आपको रूट करना पड़ेगा, फिर आपको रोम फाइल और DAV फाइल, फिर आपको फर्मवेयर फाइल जो कि है ग्लोबल 12.5.5, फिर आपको HyperX का कर्नल, और आपको TWRP नेबार्से वाला 3.5.2, और इन सब फाइल का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आपको डाउनलोड कर लेना है, और आपको अपने OTG में रखना है, और आपको अपने इंटरनल का बैकअप ले लेना है। उसके बाद आपको रिबूट टू रिकवरी करना है, आपके फ़ोन में नेबार्से 3.5.2 वाला रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए, और उसके बाद आपको अपने फ़ोन में OTG या पेनड्राइव जो भी आप यूज़ करते हो उसको आपको कनेक्ट कर लेना है, फिर आपको रिबूट टू रिकवरी करना है। रिकवरी में रिबूट होने के बाद आपको जस्ट माउंट पे क्लिक करना है, और आपको सेलेक्ट स्टोरेज में जाना है, और आपको यहाँ पे OTG सेलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपका OTG है ना आपको रिकवरी में शो होने लगेगा। फिर आपको इंस्टॉल में जाना है, और आपको अपना OTG दिख जाएगा यहाँ पे, आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपने सभी फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है। तो सबसे पहले तो आपको फर्मवेयर फ्लैश करना है, तो फर्मवेयर पे जस्ट क्लिक करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। तो फर्मवेयर फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको वेट कर लेना है। फर्मवेयर जैसे ही फ्लैश होना कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको बैक जाना है, आपको फिर से इंस्टॉल में जाना है, और आपको
जो रोम फाइल है उस पर जस्ट क्लिक करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। तो रोम फ्लैश होने में आपको 4 से 5 मिनट लगेगा, तो आपको वेट कर लेना है। रोम फाइल जैसे ही फ्लैश हो जाए यहाँ पे कुछ आपको एरर देखने को भी मिलेगा, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जस्ट बैक जाना है, आपको फिर जाना है एडवांस में। यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है इंस्टॉल रिकवरी रैम डिस्क पे, और आपको जो TWRP रिकवरी है ना नेबारसी वाला 3.5.2 उस पर आपको जस्ट क्लिक करना है और स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। तो ये फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको वेट कर लेना है। तो रिकवरी फ्लैश हो जाने के बाद आपको बैक जाना है, आपको रिबूट पे जाना है और यहाँ पे आपको रिबूट रिकवरी कर लेना है। तो रिबूट रिकवरी के बाद आपका रिकवरी थोड़ी देर काम नहीं करेगा, 5-7 सेकंड, तो आपको वेट कर लेना है। फिर आपको माउंट में जाना है और आपको फिर से OTG है ना उसको माउंट कर लेना है। माउंट करने के बाद आपको फिर से इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज में जाना है और आपको फिर से वहीं पर जाना है जहाँ पर आपने सारे फाइल्स को डाउनलोड करके रखा है। तो अभी आपको HyperX का कर्नल फ्लैश करना है, तो कर्नल पे जस्ट क्लिक करना है, स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। तो इसके भी फ्लैश होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको वेट कर लेना है। तो कर्नल फ्लैश हो जाने के बाद अभी आपको मैजिस्क फ्लैश करना है, तो आपको बैक जाना है, आपको appdebug.apk पे क्लिक करना है जो कि मैजिस्क कैनरी फाइल है, उस पर क्लिक करना है, स्वाइप टू इंस्टॉल कर देना है। तो ये भी फ्लैश होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको वेट कर लेना है। तो मैजिक्स फ्लैश हो जाने के बाद आपको बैक जाना है और आपको सबसे लास्ट में DFA फाइल पे क्लिक करना है, स्वाइप टू इंस्टॉल करना है। तो ये फटाफट से फ्लैश हो जाएगा, उसके बाद से आपको बैक जाना है, आपको जाना है वाइप पे, आपको जाना है फॉर्मेट पे, और यहाँ पे आपको यस लिखना है। यस लिखने के बाद आपको इस ब्लू वाले साइन पे क्लिक कर देना है, आपको रोम फॉर्मेट हो जाएगा। उसके बाद आपको रिबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है, आपका फोन रिबूट हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको वेट कर लेना है। तो गाइज अगर आपको इंस्टॉलेशन में कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से पूछ लेना, या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको कोई भी दिक्कत है तो मैं पर्सनली आपको सॉल्व कर दूंगा। भाई अभी काफी लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई जो आप ये FKM वाले सेटिंग कर रहे हो थर्मल प्रोफाइल इनेबल करने का, वो तो हम हर रूम में कर सकते हैं। तो भाई मैं ये सेटिंग हर रूम पे अप्लाई करता हूँ, चाहे उस रूम में थर्मल प्रोफाइल दिए हो चाहे ना दिए हो, मैं ये सेटिंग अप्लाई करके उसमें चेक करता हूँ। तो इस रोम में मुझे काफ़ी अच्छा, मतलब सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मिला, इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। बात करें मेरे अपने कंक्लूजन की, तो मैं ये आपको रोम रिकमेंड करूँगा अगर आप गेमिंग करते हो तो, आपके पास अगर M11X है तो आप ये रोम जरूर से ट्राई करना, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला गेमिंग पे। और आप आके कमेंट करना गेम खेलने के बाद कि आपका फ़ोन में परफॉर्मेंस कैसा मिला। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर आपके पास भी M11X है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो इन फ्यूचर और भी वीडियोज़ देखने के लिए, तो आप ये गेम प्ले इन्जॉय कर सकते हो। Experience only play few games. Gun de re baba. Baby. Awesome. ये लेन चलाने का मौका नहीं, लेक करने लगा, फायर तक नहीं कर पाए। अरे